गोरखपुर के पार्क रोड स्थित एक होटल में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के 2 दशक पूरे होने पर आयोजित संगोष्ठी धरोहर का उद्घाटन मुख्य अतिथि शहनवाज हुसैन ने अपने उद्बोधन में पत्रकारों से दोस्ती की पुरानी यादों को साझा किया। उन्होंने यादों को ताजा करते हुए बताया कि जिस दिन विरोध में खबर छपती थी तब भी संपादक के साथ चाय पी आते थे। उन्होंने कहा कि आपका अपना मत है तो हमें भी शहद कैसे डालना है पता है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हीं का शिष्य हूं। जब ज्यादा कागज नहीं होता तो कम बोलता हूं। पति रेणु बोलती है कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े तो इतनी लंबी डिबेट कैसे करते हैं। मैंने कहा कि मैंने वकालत नहीं की तो क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कैम्ब्रिज से पढ़े सलमान खुर्शीद से डिबेट नहीं करूंगा। गोरखपुर बाबा गोरक्षनाथ की धरती पर आया हूँ। राहुल देव जी से बहुत से मत नहीं मिलेंगे लेकिन विमर्श होना चाहिए। उन्होंने कहा आप जो कुछ बोलो प्रामाणिकता के साथ बोलो। इस अवसर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बिहार सरकार में उद्योग मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा यहाँ पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, अक्कू श्रीवास्तव जी, हमारे राज्य के लोग इनको, बिहार के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत दिनों तक बिहार में रहे हैं और व्यक्तिगत रिश्ते भी जैसा बताया उनसे मेरे रहे। कार्यक्रम में सबसे विशिष्ट और बहुत दिनों के बाद इतने संयम से मैंने किसी क्लास में राहुल देव साहब के क्लास में बैठकर आज मैंने भी सुना ही है। मैंने पहले ही अक्कू जी को और राहुल जी को कह दिया था कि आज मैं सुनने आया। जब राहुल जी ने मेरा उनका रिश्ता 3 दशक का बताया तो अक्कू जी ने कान में पूछा कि अब उम्र कितनी होगी। तो जब मैंने कहा जब तक वो टूटेगा नहीं मैं वहां पर बना रहूंगा। इस बार भी विस्तार में वो टूटते टूटते बच गया, मतलब क्योंकि काफी युवा लोग आए लेकिन मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का सबसे युवा खोज था। उन्होंने मुझे नाम पहचान और आपसे परिचय दिया और जब ये तय हुआ था तो रमन सिन्हा जी का भी मेरा रिश्ता है क्योंकि वो भागलपुर में हिंदुस्तान के संपादक थे और मैं भागलपुर शहर का रहने वाला नहीं हूँ, न मेरी कोई रिश्तेदारी ज़्यादा है। हम लोग भी अपने समाज में शुक्ला ही माने जाते हैं, वो आबादी भी ज़्यादा नहीं हमारी, तो बिरादरी रिश्तेदारी भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं थी। तो दिन भर थक कर कहाँ जाना, तो जिस दिन खबर विरोध में भी छप रही हो उस दिन भी संपादक जी के साथ चाय पीकर मिलकर आना। और कई बार समर्थक कहते थे कि आज वो सड़क वाली खबर बड़ी तेजी से चल रही, लोगों ने पुतले जलाए हैं, बिजली नहीं है, तो सर आज थोड़ा आप अखबारों के दफ्तर में आप मिल आते 7 बजे तो हमने कहा मिलने से यही होगा, थोड़ी जो कड़वाहट है, यानी ऐसा नहीं कि आप सब समझते हैं, हम लोग भी आपको समझते हैं। आपका अपना मत है तो हमें भी अपने मत में शहद कैसे डालकर हम आपको भरमाते हैं ये हमें भी आता है। तो
रमन जी के पास 10 बजे जाना और 12 बजे उठना, और उसी वक्त बीच में पेज दिखाने वाला आता था। रमन जी का इसको एक पेडाल पटा, इनको पता भी नहीं होगा, लेकिन जो एक पे जानी थी, अब हम बैठे थे तो सामने वाला भी उसका प्रस्ताव ही 3 या 4 नंबर पे लेके आया। थोड़ा सा कैमरा लगा दीजिए, हम ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं। मुझे भी पता है, मैं बीजेपी का सबसे लंबे काल तक का प्रवक्ता का रिकॉर्ड भी मेरे ही नाम, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे। और मैं सोच रहा था कि राहुल जी के बाद बोलना क्या है, तो जो बोलना था वो मैं भूल गया, और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का शिष्य हूँ, जब ज़्यादा कागज होता है तो भाषण नहीं होता। मैं दिखा रहा था शुक्ला जी को कि मैं, कई बार लोग सोचते हैं कि टीवी पे बैठ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मेरी धर्म पत्नी रेणु जी कवित्री भी हैं, राहुल जी को कई कार्यक्रम में मिलती हैं, तो मैं एक बार इकोनॉमिक्स पे डिबेट कर रहा, तो जब मैं घर आया तो उन्होंने कहा कि आपने तो कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, इतना बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से डिबेट कर रहे हैं। मैंने कहा इसका क्या मतलब, मैंने वकालत नहीं पढ़ी तो क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से डिबेट नहीं करूंगा? अगर मैंने वकालत नहीं पढ़ी तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ाए सलमान खुर्शीद से डिबेट नहीं करूंगा? वो डिबेट 1 घंटा का 10 लाख रुपया लेते, एक बहस के 10-15 लाख लेते। और अभी एक चैनल ने कहा कि अब मैं थोड़ा समझिए, 2004 के बाद 17 साल बाद मेरे पास भी थोड़ा मत आया, भले बिहार का ही, मतलब मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने मुझे अपनी सरजमी का की खिदमत का मौका दिया, और जो काम बिहार में उद्योग लगाना, ये काम जो करेगा उसकी चर्चा तो होगी। मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एकदम लो प्रोफाइल रहूँ, कोई मेरी ज़्यादा चर्चा ना करे। मैं सबको बताता हूँ, मैं अभी एक राज्य का उद्योग विभाग का जिसका बजट ही 1285 करोड़, उस विभाग का मंत्री हूँ, लेकिन मेरे विरोधी कहते हैं कि ये जब से बना है कोई दिन ऐसा नहीं है जो इसकी खबर नहीं। फिर मेरे विरोधी कहते हैं नहीं नहीं, ये अभी पार्टी ने सबको तो सब पद पर हटाया, ये मंत्री भी है और अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, इसलिए अच्छा पड़े। लेकिन इसलिए नहीं, मेरे पास वो चैलेंजिंग जॉब है, इसलिए उस काम को भी कर रहा हूँ। यहाँ बाबा गोरखनाथ पीठ, जिससे पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ा धार्मिक शहर है, बनारस में, काशी में, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी, और कल भी पार्लियामेंट के अंदर हमारे पुराने साथी, आज के यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, वो भी आज काशी में है। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गोरखपुर आया हूँ और बाबा के साथ तस्वीर न छपी हो, तो आज तो राहुल बाबा नहीं है, राहुल देव जी के साथ मेरी तस्वीर छपेगी, क्योंकि सबसे जो बेहतरीन बातें उन्होंने कही, कुछ बात है जो हमारे मत को सूट नहीं करती, कुछ बात हमारी उनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन विचार और विमर्श का तो स्थान है, तभी तो प्रेस क्लब में आए, कोई मंच का भाषण तो नहीं। मैं कई नेताओं को जानता हूँ जो सेमिनार में भी एक ही अंदाज में बोलते हैं,
मंच पे भी उसी अंदाज, यानी वीर रस का ही भाषण होता, और अगर छोटी मीटिंग हो तो उसमें भी शुरू हो जाता। लेकिन मुझे एहसास है कि 5 लाख की भीड़ को संबोधित करना और प्रेस क्लब को संबोधित करने में ज्यादा दबाव, मैं काफी दबाव में बातचीत कर रहा हूँ। मेरे गुरु थे आरिफ बेग साहब, वो कहते थे जब बोलो तो सोचो तुम ही सबसे महत्वपूर्ण हो, तभी तो ये विद्वान आके तुमको सुनने आए, निडर हो गए, यानी माइक तुम्हें दिया गया है तो तुम माइक के मालिक हो, तुमको नहीं पसंद तो कहीं और जाएंगे। अभी बारी मेरी, तो मैं पहले बड़ी बड़ी भीड़ में बड़े बड़े नेताओं के आप देखेंगे पैर कांपते हुए देखे, मैं बड़ी भीड़ है तो लोग, तो मैं अपने साथ जो युवा मोर्चा के साथी होते हैं उनको यही कहता हूँ, जो कुछ बोलो प्रामाणिकता से बोलो, दिल से बोलो, दिमाग अगर नहीं भी चल रहा है तो कम से कम दिल जरूर, बोलने में दिल और जबान का रिश्ता जो होगा तो कभी दिल जो है वो कोई गलत बात नहीं बत बोलने को मजबूर करता। दिमाग तो कहता है ये बोलूं कि ना बोलूं, राहुल जी की इस बात पर बोलूं कि नहीं बोलूं, आज के माहौल पे बोलूं या 74 पे जाऊं या आज पे बोलूं। पत्रकारिता कितनी आजाद है नहीं है, बहुत इतना बड़ा विषय है जो राहुल जी ने एक पिटारा खोल दिया उसका, तो मैं उस तरफ नहीं बोलूं वही मेरे हित में, तो क्योंकि मुझे राहुल जी का भाषण मैंने सुना ही नहीं, अगर मैं बोलने को खड़ा हूं अगर उस पे जाऊंगा तो मुझे उतना ज्ञान प्राप्त करना होगा जो राहुल जी ने पहले प्राप्त किया हुआ। कई बार टीवी डिबेट में 2-4 मिनट तो इनको झेल सकता हूं, हुआ भी ऐसा कि जो मैंने कहा वो इन्होंने काट दिया, जो इन्होंने कहा वो मैंने उसको काट दिया। लेकिन जो पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, और कभी कभी बैठ के आराम से अगर यहाँ मोबाइल बज गया हो या घर से फोन आ गया हो, एक ही जगह आदमी डर से फोन उठाता है, कई लोग उसमें मना भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा एकाक लाइन अगर मिस कर गया हो, आज के दिन में राहुल देव जी का ये बेहतरीन, इसकी जितनी व्याख्या की जाएगी इस पर आप इस पर एक विचार गोष्ठी कर सकते हैं, यानी उन्होंने दिल से बोला, दिमाग से नहीं दिल से बोला। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं गोरखपुर का निमंत्रण मिला, रमेन जी को मैंने हाथ जोड़कर 10-20 बार कहा, फोन पर मना किया, मैंने कहा मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी हुई है, अभी अभी बिहार में उद्योग मंत्री बना हूँ, कोरोना काल में करीब 34,000 करोड़ का प्रस्ताव आ गया है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है, जमीन पे लाना है, SIPB से जो स्टेट जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है उसमें अप्रूव्ड है, बिहार का एक नया, क्योंकि बिहार के लोगों ने बिहार की छवि ऐसी बनाई, और वो नहीं कई बार बिहार के ही थे, खासकर फिल्म वालों ने, सिर्फ बिहार नहीं पूरब वालों की, पूरब के लोग ऐसे हैं, हमारे बोलने का टोन, हमारा अंदाज, ये कभी हीरो का अंदाज नहीं बनाया फिल्म वाले, विलेन का अंदाज, खैनी खाता बंदूक टांगे, फिल्म का नाम अपहरण, लोग पूछ रहे मैं भागलपुर से MP बना, लोग पूछ रहे कहाँ से बने, तो मैंने कहा वहाँ से बना, अच्छा वहाँ जहाँ दंगा हुआ था, मैंने कहा ये पहचान है उसकी, तो बोले नहीं नहीं वहाँ हुआ था बहुत बड़ा, कांग्रेस के दौर में मार के मुसलमानों को ऊपर गोभी की खेती की थी, आंखों देखी में नलनी सिंह ने वो दिखाया था, तो देश भर को याद, वो कहते हैं ना वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं गोभी की खेती भी करते हैं तो चर्चा नहीं, तब भी वो एक टैग है जो लग जाता है, हमारा रंग जो है वो, कल मैं 4 दिन पहले योगी जी से मिला, तो मैं जब लखनऊ आऊँगा पार्लियामेंट में भी आप देखते होंगे कि हम साथी बैठते थे, हम जब चुनाव जीत के गए तो सारे उस जमाने में तो सब बुजुर्ग लोग आते थे, तो हम राहुल जी को याद होगा, हम तो
उम्र 30 साल की थी मेरी और दिखता कम था, तो उसको लोग बाल काल ही कहते हैं। कई लोग अपने होते ना, वो कहते हैं मैं बाल काल से स्वयं सेवक। अब वो रिकॉर्डिंग ही चेक होता कब बना कब नहीं बना, फिर कहता है तो हम उसको मान लेते हैं। तो हमको, मेरे से कोई कहता आप क्या है, मैं कहता मैं बाल काल से मंत्री बना, स्वयं सेवक तो पहले ही हूँ, युवा मोर्चा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पहले ही हूँ, तो आपका क्या है। मैंने कहा मैं बाल काल से, अटल जी ने मुझे बाल काल में ही मंत्री बना दिया, तो मैं उसको बाल काल ही मानता हूँ, क्योंकि अभी मुझे आप बुजुर्ग कैटेगरी में रखेंगे भी नहीं, चाहे राहुल जी 3 दशक बता दें या ना बताए, रिश्ता एकदम सही है। तो योगी जी के साथ जब भी मैं यहाँ आया गोरखपुर, तो गोरखपुर से मेरा एक लगाव, यानी योगी जी से मेरा रिश्ता है लव एट फर्स्ट साइट। जब मैं पार्लियामेंट में गया तो योगी जी भी पीछे बैठे थे, मैं मंत्री बन के गया, सांसद का वोट बाद में हुआ, मतलब पहले सरकार बन गई, तो मुझे लगा कौन कौन लोग हैं, तो अपने से जो उम्र से थोड़ा नज़दीक आदमी होता है वहीं बैठते जा, तो मैं उनके पास बैठता था, रिश्ता हुआ। आज राहुल जी आप हवाई जहाज से आए हैं, तो ये गोरखपुर से पूरे दुनिया को जोड़ने के लिए जो हवाई सेवा शुरू हुई, पहली लैंडिंग मैंने की है, ये रिकॉर्ड, ये बात मेरे नाम, और वो योगी जी के कहने पे की, उनसे मित्रता है इसलिए उस धर्म को निभाते हुए मैंने जिद किया कि यहाँ से वो शुरू हो। तब छोटा टर्मिनल था, शुक्ला जी मंत्री थे तब, याद होगा शुक्ला जी। मैं यहाँ पर करीब 2002 में 12-15 दिन रहा, मेरी ड्यूटी लगा दी। एक दिन अटल जी का फोन आया, कहाँ है, मैंने कहा, बोले अटल जी का था, मेरे से हर बात वो मजाक में कर देते थे, बोले कैसे हैं सुरक्षित हैं, मैंने कहा सर सुरक्षित हैं, कहाँ हैं, गोरखपुर में। मैंने से जा अटल जी ये क्यों पूछ रहे, बोले अरे भाई वो अफगानिस्तान के सिविल एविएशन मिनिस्टर को हज यात्रियों ने पीट पीट कर मार डाला है, आपको याद होगा 2002 में जब हाजी बैठे हुए थे एयरपोर्ट पे काबुल पे, मैंने 2 जहाज गिफ्ट किया था अफगानिस्तान को, उनको पैसा देना था, तो मैंने सरकार से कहा कि वो जहाज खरीदेंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, पायलट लाएंगे, सब कुछ तो हम ही नहीं करना है, इससे अच्छा हम 2 जहाज हमारे पुराने पुराने दे देते हैं उनको, और वो जो पैसा उनको देंगे आप हमको दीजिए, एयर इंडिया को थोड़ा उबार लेंगे। मैं यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री थे, बिहार के थे, तो कम उम्र का बहुत फायदा था, मतलब मैं जहाँ चला जाऊँ वो हर छोटे भाई की तरह सबको व्यवहार करता था, मेरी बाल हट को लोग मान जाते थे। तो मैंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जी को, मुझे सौभाग्य हुआ, गिफ्ट देते देखा शुक्ला जी, मैंने जहाज गिफ्ट किया, और दिग्विजय सिंह राज्य मंत्री थे वो और मैं और करजई साहब, मैंने उनको जाके इतना बड़ा चाबी जहाज का दिया वहाँ पे, हम तीनों की फोटो हुई। तो अटल जी ने पूछा कि भाई वहाँ तो सिविल एविएशन मिनिस्टर को पीट के मार डाला, और हमारे दरवाजे पे यहाँ हाजी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप गायब हैं, आप निपटिए। तो अटल जी की एक महानता जो कोई नहीं जानता वो मैं आज बता देना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा सर 747 है बड़ा जेम्बो प्लेन, जो अभी आपको विदेश दौरे पे जाना है, हमने उसके लिए तैयारी की है, एक जहाज होता है जो पीएम, उसी जहाज में से एक जहाज तैयार किया जाता है, उसको स्पेयर किया जाता है। अटल जी ने कहा कुछ भी कीजिए मेरा जहाज दे दीजिए, लेकिन हाजी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको मक्का मदीना भेज दीजिए, ये अटल बिहारी। मैंने वो जहाज, उसमें बेड बेड बना होता है, वो सबको हटवाया, जल्दी जल्दी कीजिए, और एक हाजी नहीं बचे जिनको हज पे नहीं भेजे। मैं यहाँ योगी जी का भी मुझसे बहुत स्नेह, बहुत उनका आशीर्वाद, बहुत प्यार रहता है, और आप जानते हैं कि एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप थे,
मन में कोई आपके जीवन में कोई एक मुस्लिम से कोई रिश्ता है? तो उन्होंने जवाब दिया अजीत अंजुम को कि मेरे जो सबसे अच्छे मित्र हैं उसका नाम शाहनवाज हुसैन, वो रिकॉर्ड पे है। और जब मैं यहाँ आया तो आज मुझे खालीपन लग रहा, काश आज राहुल जी आए, शुक्ला जी थे, अक्कू जी हैं और बीच में योगी जी भी होते, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, नहीं तो प्रेस के लोगों का तो बहुत स्नेह, तो मैं आज उनको भी ये प्रसंग मैंने आपको उसका जिक्र किया। और ये सही है कि राहुल जी ने बड़े सवाल खड़े किए और वो सवाल भी बड़े बड़े बड़े, राजहित, देश हित, राष्ट्रहित, राष्ट्रवादी। तो ये जो राष्ट्रवादी शब्द है इसके बारे में एमजी वैद्य साहब का स्वयं सेवकों को एक संदेश है, हम राष्ट्रवादी शब्द जो है उसको उपयोग न बीजेपी और संघ की भाषा में हम कभी नहीं करते, ये स्वतः उगा हुआ शब्द है कि या तो कोई राष्ट्रवादी है या राष्ट्र विरोधी। जो ये मुल्क है, ये मादरे वतन है, ये जननी मातृभूमि, इसके इसका कोई विरोधी पर रह ही नहीं सकता। मैं तो मानता हूं कि कोई अब कोई क्या जिसका वजूद है, मेरा कोई व्यक्ति कितना अच्छा हो और उसको अपनी माँ से स्नेह न हो तो आप उससे रिश्ता रखेंगे? आपको कोई क्या ये अपनी माँ को मारता पीटता है, गाली बकता है, माँ के विरोध में साजिश रचता, तो मन में एक अलग भाव आता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने कहा ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारे, तो सारे जहाँ से कहा तो उन्होंने ये नहीं कहा मक्का मदीना छोड़कर, हमारे लिए हमारी सरजमीन। इस्लाम मजहब में भी कहते हैं कि जब प्रोफेट मोहम्मद को इतना तंग कर दिया गया, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको इतना तंग कर दिया गया मक्का में, तो उन्होंने उसको अरबी में कहते हैं हिजरत की, और हिजरत किया तो कई बार मैं राहुल जी से थोड़ी असहमति करते हुए उन्होंने आवाम को सहमत संबोधित नहीं किया, क्योंकि वो जाके गार में छिपे भी और उनको तलाश रहे थे लोग, वो मक्का से मदीना जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी मिट्टी को संबोधित किया, अपनी सरजमी को संबोधित किया और कहा ए मक्का, अगर तेरे रहने वाले मजबूर न करते तो मैं बाकी जिंदगी के तमाम दिन तुझ में ही गुजारता, क्योंकि उनको अपनी मिट्टी से प्यार। यानी मैं ढोंगी टाइप का आदमी नहीं, मैं वैसा हूं कि योगी जी मंदिर में जाएं, शाहनवाज हुसैन मस्जिद में जाएं, लेकिन जब राष्ट्र का बात हो तो हम सब एक हो जाएं, हम उसमें यकीन रखें।